आज कमेटी के चेयरमैन विधायक इरफान अंसारी जी से, क्या कहेंगे इरफान जी? देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन आदिवासी, ये सेकुलर वोट, और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। हम लोग आए थे, यहाँ सस्ता सामान मिलता है, फुटबॉल जर्सी साड़ी कम्बल धोती कुर्ता, ये तो मैं मारता रहता हूँ। जब हम लोग बाहर निकले, हम लोग को कोई जानकारी नहीं किस तरह का हम लोगों को पेश किया गया बाहर में, ये भी जानकारी नहीं। अभी मालूम चल रहा है कि हम लोग कैश कांड, अरे भाई कांड क्या होता है? मेरे पास 18 लाख रुपया, 17 लाख रुपया, 16 लाख रुपया तीनों का पैसा था, गलती यही हुआ कि एक जगह कर दिए, इसीलिए 48 लाख रुपया हो गया। तो कांड कहाँ से हो गया भाई? मैं कहना चाहता हूँ, आ जाइए, जो लोग हम लोग फंसाने का काम किए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाईकोर्ट का, जिसने ये माना कि हम लोग ये पैसा जो था गरीब का सेवा का पैसा था, हमारा पैसा, लेकिन जिस प्रकार से फंसाया गया है आप लोग, अभी हम इंटिम बेल पर हैं, कानून के सामने जब सारा मामला आएगा, सामने सच का सच हो जाएगा। प्रथम जो आप कहेगा कि फर्स्ट स्टेज में सामने आ गया कि हम लोग निर्दोष थे, हम लोग बेगुनाह थे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, सुन लीजिए, जो इस साजिश में हम लोग फंसाने का काम किया है उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी जी। ठीक है, आगे का, आगे का आप लोगों का क्या लाइन ऑफ डायरेक्शन रहेगा? मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूँ, हम तीनों विधायक, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग आपसे मिलेंगे और हम लोग वार्ता करेंगे, और दीदी से सामने हम कहेंगे कि दीदी, आपका, ममता दीदी से कहूँगा, आप हमेशा, आप हमने आपका सम्मान किया है। जामताड़ा में जब कोरोना में आपके लोग फंसे थे, त्रिमून के लोग फंसे थे, तो इरफान अंसारी ने बचाने का काम किया, तो हम लोग बारे में आपको किसने मिसगाइड किया है, हम लोग उसका नाम जानना चाहते हैं, ताकि जनता को हम लोग बताएं कि किस तरह से हम लोग को फंसाने का काम किया बंगाल में। और मैं फिर से मैं कहूँगा, जो साजिश रचे हैं जिसने हमारे पॉलिटिकल करियर में हक्का फुल्का जो दाग लगाने का काम किया है, उसको भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हम लोग राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, वेणुगोपाल जी, और हमारे जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी से हम लोग मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, हम लोग कहेंगे कि नहीं, जो असली और नकली को पहचानिए, बाहरी और भीतरी को पहचानिए। जी धन्यवाद। कि आप देख पा रहे हैं कितने भारी संख्या में यहाँ समर्थक जुट पड़े हैं, तीनों विधायक बिल मिलने के बाद आज पहली बार एक साथ जुटे हैं, उनसे ही सीधा बात करते हैं। जी विधायक जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो साजिश किया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और क्षेत्र का जो चाहत है, उस चाहत को हम लोग 9 अगस्त को अभी तक पूरा नहीं कर पाए। क्षेत्र का जो जरूरत फुटबॉल जर्सी का, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, 9 अगस्त में हम लोगों ने साड़ी नहीं दी, सारे लोगों को जर्सी फुटबॉल देना तो नहीं, ये जिन्होंने साजिश किया है, और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का वफादार अपने आप को साबित कर रहे हैं, ब्लड में कांग्रेस हम तीनों विधायक में है, और कांग्रेस के सच्चा सिपाही हैं, आने वाले दिनों में पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, असली कौन है और नकली कौन है। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिन्होंने भी ये गंदा काम किया है, क्षेत्र की जनता उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। अरे क्षेत्र का दर्द जो है, इतना दिन हम लोग रहे 22 दिन, जो जनता से दूर रहे, घर परिवार से दूर रहे, क्षेत्र में जो होना चाहिए हम लोगों को भी चिंता था, कहाँ पे बिजली नहीं जल रहा है, कहाँ पे रोड हमारा, कौन कार्यकर्ता को क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ ये माफिया लोग जो हैं उन लोगों ने तैयार कराया, ये दलाल जो हैं, जो दलाली करके जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश होगा, और जो राजनीति को एक व्यवसाय समझते हैं, उन लोगों ने हम लोगों पे चार्ज किया है, आने वाला दिन जनता बताएगी, आने वाला दिन क्षेत्र का जनता एक एक जो साजिश करता है उनको जवाब देगी। जी हम विक्सल जी, आप बताएंगे कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे न्यायालय का जो फैसला आया है आप लोग के पक्ष में? न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है, और न्यायालय ने न्याय किया है। जिस तरह से षड्यंत्रकारी सोच रहे थे कि 5-6 महीना इन्हें जेल में रखेंगे, आज जनता को न्याय मिली है, हमें न्याय मिली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम दिया था,
14 अगस्त तक का हमारा पदयात्रा का कार्यक्रम था 9 अगस्त से, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था। उस दिन के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया था, नाच गान धूमधाम।